नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में खुलते ही फिर से बंद हुए कई जिलों के स्कूल, गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने दिया आदेश। पटना में स्वास्थ्य सेवा होगी चुस्त, 3 साल से अधिक समय से जमे स्वास्थ्य कर्मियों का सरकार करेगी तबादला। भीषण गर्मी में रिचार्ज होने के बावजूद पटना के 3,950 घरों में 5 घंटे तक स्मार्ट मीटर बंद, ये रहा कारण। बिहार के 7 सदर अस्पतालों में बनेंगे ब्लड बैंक, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग भी होगा स्थापित। पटना में 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीज हुए दोगुने, 90 एक्टिव मरीजों में से 88 होम आइसोलेशन में। बोधगया में 2 वर्षों से चल रहा था नकली दवा बनाने का गोरख धंधा, 8 लोग गिरफ्तार। बिहार में गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल तो खुले, पर भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। गया और सासाराम में डीएम ने स्कूलों को 18 जून तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस वजह से अब 20 जून से ही स्कूल संचालित हो पाएंगे, वह भी अगर लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी तभी। इसे सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया गया है। जिले में पड़ रही बेतहाशा गर्मी के कारण पूरा जिला भयंकर लू की चपेट में है। यहां तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, जिस कारण से लोगों को गर्मी से परेशान है और यह किसी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। धूप के कारण जलन हो रही है, साथ ही गर्म हवाएं लोगों को हाल बेहाल कर रही है। ऐसे में स्कूल खोले जाने से बच्चे बीमार हो सकते हैं और यह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा चुस्त होने जा रही है। पटना जिले में 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला किया जाएगा, यह फैसला मंगलवार को विभाग ने लिया है। पटना जिले में करीब 85 डॉक्टर व लगभग 515 स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। इनमें शहर के PMCH, NMCH, गर्दनीबाग अस्पताल, गार्डिनर रोड अस्पताल, राजेंद्र नगर नेत्रालय, पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के अलावा जिले के सभी 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय व CHC अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा औषधि विभाग, पैरामेडिकल, खाद्य सुरक्षा विभाग आदि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी शामिल हैं। BSNL का नेटवर्क फेल होने से मंगलवार को लगातार दूसरे दिन स्मार्ट मीटर यूजर की परेशानी बनी रही और रिचार्ज होने के बावजूद 5 घंटे तक 3,950 लोगों के स्मार्ट मीटर कनेक्शन रिकनेक्ट नहीं हो पाए। इनमें सबसे अधिक संख्या वैसे उपभोक्ता की थी जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहली बार रिचार्ज करवा रहे थे, साथ ही जिन्होंने स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म होने से गुल हुई बिजली को अकाउंट रिचार्ज कर वापस लेने का प्रयास किया, उन्हें निराशा हाथ लगी। दरअसल समस्या सुबह 11 बजे से हुई जब BSNL का नेटवर्क फेल हो गया। इससे पूरे SBPDCL के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर का सर्वर डिस्टर्ब हो गया। अकाउंट रिचार्ज होने पर भी बिजली कनेक्शन रिकनेक्ट नहीं हो रहा था और गर्मी में बिना बिजली के पूरे दोपहर उपभोक्ता परेशान रहे। शाम 4 बजे तक ऐसे स्मार्ट मीटर होल्डर की संख्या 3,950 तक पहुंच गई। उस समय कोलकाता से BSNL नेटवर्क को ठीक किया गया। उसके बाद शाम 5 बजे तक 2,700 स्मार्ट मीटर कनेक्शन रिकनेक्ट हुए। इसके बावजूद 1,250 लोगों के कनेक्शन रिकनेक्ट नहीं किए जा सके, जिनमें 314 पेसु प्रक्षेत्र के थे। इसी परेशानी को लेकर सोमवार को कदमकुआं ऑफिस में हंगामा हुआ। बिहार के 7 सदर व जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी तथा 3 ब्लड सेपरेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। पटना सिटी गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, पटना जिले के 12 सदर अस्पताल, शिवहर, मोतिहारी, दरभंगा और गया के सदर अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए जाएंगे, तो वहीं गया, बेतिया और सिवान में ब्लड सेपरेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सरकार डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की स्थापना NMCH में 1 साल के अंदर कर लेगी। राज्य के सभी जिला अस्पतालों के ब्लड बैंकों में एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ब्लड ग्रुपिंग, सेमी ऑटोमेटिक कॉल्यूम्ड एग्लूटिनेशन फॉर ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मशीन स्थापित की जाएगी। कोरोना ने बिहार में एक बार फिर अपने पांव फैला दिए हैं। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 10 दिनों के अंदर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 2 गुनी हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के कोरोना पोर्टल के मुताबिक मंगलवार तक जिले में कोरोना के 90 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 88 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 1 मरीज PMCH व दूसरा पटना
एम्स अस्पताल में भर्ती है। हालांकि दोनों ही अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि जो मरीज भर्ती हैं वे अस्पताल में दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए थे, लेकिन जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं वर्तमान पॉजिटिव मरीजों में सबसे अधिक 19 मरीज शहर के कंकड़बाग के हैं, बाकी मरीज शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं। राज्य में 24 घंटे के अंदर कुल 26 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 17 नए संक्रमित सिर्फ पटना जिले के हैं। गोला रोड में एक ही परिवार के 3 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। 24 घंटे में 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। गया व मधेपुरा में 2-2 और खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इसके साथ ही राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 130 हो गई है। बोधगया में कागज के डिस्पोजल कप बनाने की आड़ में नकली दवाओं के निर्माण व शराब का गोरखधंधा करने के मामले में पुलिस ने 8 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। आरोपियों में 7 गया व 1 जहानाबाद का रहने वाला है। हालांकि जहानाबाद का आरोपित भी वर्तमान में गया में ही रह रहा है। बोधगया थाने की पुलिस ने दोमुहान के पास एक होटल के पीछे कागज के डिस्पोजल कप बनाने के कारखाने में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवाएं व अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस संबंध में मंगलवार को सिटी SP राकेश कुमार व बोधगया DSP अजय प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 2 वर्षों से यहां नकली दवाएं बनाई जा रही थी, वह उसे पटना में सप्लाई भी की जा रही थी। गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई, फिर मौके से 4 लोगों को पकड़ा गया। इनकी निशानदेही पर सोमवार की रात को छापेमारी कर इस कारोबार से जुड़े अन्य 4 को भी दबोच लिया गया। हालांकि गोदाम के मालिक कोई अजय सिंह नाम की व्यक्ति हैं, वह पहले से जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, उनकी तलाश जारी है। राजधानी पटना के कदमकुआं थाने में एक बड़ा मामला सामने आया है। पंचायती राज विभाग के 1,48,82,307 रुपये 50 पैसे की पुस्तकें व लीफलेट गायब हो गई है। ये पुस्तक जिलों में देने के लिए रवाना तो हुई लेकिन नहीं पहुंची। इसकी जानकारी तब हुई जब सरकारी पुस्तक छापने वाले पटना ऑफसेट प्रेस के CEO शैलेश कुमार सिंह को फोन आया कि डिलीवरी पुस्तकें नहीं पहुंची है। जब CEO ने डिलीवरी करने वाले ट्रांसपोर्टर को फोन किया तो उसने कोई जानकारी नहीं दी। CEO ने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कदमकुआं थाने में सरकारी पुस्तक गबन का प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में CEO ने कहा कि ये सभी पुस्तकें 4 जिलों मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा और गया में भेजी जानी थी। उन्होंने बताया कि ये सभी पुस्तकें कुल 12 जिलों के प्रखंडों में पहुँचाने का आदेश दिया गया था, जिसमें से शेष 4 जिलों में डिलीवरी करना बाकी था। पुस्तक छाप कर आपूर्ति के लिए मेसर्स यस वारिया सर्विसेज के मालिक पंकज कुमार को लिखित आदेश आया था। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा आपसी सहमति के साथ हस्ताक्षर कराकर हमारे कार्यालय को जमा किया गया था। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए 5 प्रकार की पुस्तकों का ऑर्डर हमारे प्रेस को दिया गया था। ये सभी पुस्तक पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों, मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों में वितरण करना था। 12 जिलों के प्रखंडों में 8 जिलों में तो ये पुस्तकें तो पहुंच गई, शेष 4 जिलों में डिलीवरी नहीं दी गई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इन जिलों को भेजी गई पुस्तक कहां गायब हो गई। बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन के लिए कॉलेज में उपलब्ध सीटों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के संबंध में 14 जून तक बोर्ड ने कॉलेजों के प्राचार्यों से आपत्ति मांगी है। बोर्ड की तरफ से जारी सूची में कुल 5,328 स्कूल कॉलेज शामिल हैं। उन सभी स्कूलों एवं डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों से आपत्ति मांगी गई है जो इंटर की शिक्षा देते हैं। वहीं अगर इस पर किसी कॉलेज के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि कॉलेज को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। विषय एवं संकायवार सीटों की सूची बोर्ड की वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जारी की गई है। अब सभी छात्रों की नज़र बिहार बोर्ड द्वारा सीटों की जारी सूची के बाद इंटर के नामांकन पर लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इंटर में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 10वीं का रिजल्ट बिहार बोर्ड की ओर से पहले ही जारी किया जा चुका है और अब सभी छात्र भी इंटर में नामांकन का इंतजार कर रहे हैं। अगर कंपार्टमेंटल परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो बोर्ड ने 10वीं की उसकी भी रिजल्ट जारी कर दी है। बिहार के लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए मॉनसून का बेसब्री से इंतजार था। राज्य के कई जिलों में आज मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में राज्य में मॉनसून का आगाज हुआ है। इस मॉनसूनी बारिश में
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल एक साथ भींग गए हैं। राज्य में इस साल भी मॉनसून ने अपने सामान्य आगमन तिथि के समय राज्य में दस्तक दे दी है। अब अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूरी ताकत के साथ मॉनसूनी हवाएं बादलों को साथ लेकर उत्तर पूर्वी बिहार की तरफ आगे बढ़ रही है। इस साल प्रदेश में सामान्य से कुछ अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। IMD पटना निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि मॉनसून अगले 4 से 5 दिन में पूरे राज्य में पहुंच जाएगा। इस बार मॉनसून की बारिश व्यापक गरज के साथ बिजली और आंधी के साथ होगी। मासिक पूर्वानुमान के मुताबिक जून में हिमालय की तलहटी वाले जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। विवेक सिन्हा ने बताया है कि लगातार तीसरे साल बिहार में मॉनसून समय पर सक्रिय हुआ है। बुधवार की रात अथवा गुरुवार तक पटना में मॉनसून प्रवेश करने के आसार जताए गए हैं। जिसका कोई नहीं उन लोगों का SKMCH सहारा बनेगा। SKMCH में बेसहारा मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। अस्पताल में ऐसे मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर उनकी बेहतर देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। SKMCH में मेडिसिन वार्ड के पास स्थित खाली जमीन में भवन बनाया जा रहा है। बेसहारा वार्ड में अन्य वार्ड की तरह 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ व स्टाफ नर्स तैनात रहेंगी, जो कि भर्ती मरीज की देखभाल करेंगे। यही नहीं, बेसहारा वार्ड में भी भर्ती मरीज को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तीनों टाइम खाना व समय पर दवा खिलाने के लिए बाकायदा एक केयर टेकर भी तैनात किया जाएगा। शुरुआत में बेसहारा वार्ड में 30 महिला व 30 पुरुष बेड की व्यवस्था होगी, लेकिन बेसहारा मरीजों की संख्या बढ़ने पर लावारिस वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। SKMCH के अधीक्षक बाबू साहब झा के मन में अस्पताल में लावारिस वार्ड बनाने का विचार उस समय आया जब वह बीते दिनों रूटीन में वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बेसुध व्यक्ति को स्थानीय लोग इलाज के लिए SKMCH के वार्ड में छोड़ गए हैं, लेकिन इलाज के दौरान लावारिस व्यक्ति के पास कोई परिजन मौजूद नहीं था। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।